तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस नए वीडियो में, जिस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, प्रेडिक प्रभाव यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट। बता दें प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लास 11 केमिस्ट्री का है, ठीक है। और लिख कर ले लीजिए, ये आपके एग्जाम में आखिरी दम लेने वाला है। जी हाँ, इतना इंपॉर्टेंट है। तो डोंट वरी, आज की इस छोटे से वीडियो में, जी हाँ इस छोटे से वीडियो में, तो पूरा जरूर देखकर जाइएगा। छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके परिभाषा को समझने वाले हैं, ना कि रट्टा लगाएंगे, साथ ही साथ इसके प्रकार को भी समझेंगे। प्लस आई होता है एक माइनस आई। डोंट वरी, आज की वीडियो में हम इतनी आसान तरीके से समझाएंगे कि बिना आपको रट्टा लगाए आप इस वीडियो में ही आपको याद हो जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। चाहे आप 5 मिनट पहले एग्जाम से पहले क्यों ना दिख रहे हो, ये मेरी जिम्मेदारी है आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को डाल देना, ठीक है। बस वीडियो को पूरा देखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। बस एक छोटा सा लाइक करिएगा, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हमारे चैनल पे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज की वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ नहीं प्यारे बच्चों, एक छोटा सा हम आपका टेस्ट करने वाले प्यारे बच्चों, ठीक है। और उस छोटे से टेस्ट से ही आप पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाने वाले हो। देखिए, हम आपसे एक चीज पूछ रहे, बताइए अगर मान लो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये श्रृंखला है कार्बन की, ठीक है। और इस श्रृंखला से हमने क्या किया ना, एक ग्रुप जोड़ दिया, एक हमने ग्रुप जोड़ दिया प्यारे बच्चों। मान लो ये जी क्या है, एक प्यारे बच्चों, एक जी हमारा मान लो क्या, एक ग्रुप है, ठीक है। अगर इस ग्रुप, अगर ये ग्रुप क्या है प्यारे बच्चों, प्रबल विद्युत क्षीणात्मक है इस कार्बन से, अगर इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो प्यारे बच्चों आप बताओ क्या होगा। आप कहोगे सर कोई भी एलिमेंट है अगर वो क्या है, प्रबल विद्युत क्षीणात्मक, यानी कि उसके पास ज्यादा ताकत है। और प्रबल विद्युत क्षीणात्मक तत्व वही होते हैं प्यारे बच्चों जो क्या करें, अपने साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। यानी कि यार अगर ये ग्रुप क्या है, इधर जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन से ज्यादा है क्या है, प्रबल विद्युत क्षीणात्मक है। यानी कि यार ये साझा का जो इलेक्ट्रॉन है ना प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ना, अपनी ओर खींचेगा। जैसे ही अपनी ओर खींचेगा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और अपनी ओर खींचा, तो इसके ऊपर क्या आएगा प्यारे बच्चों, माइनस का चार्ज आएगा कि नहीं, हाँ। और यहां से प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा घसकेगा तो इस पर क्या होगा ना, प्लस का चार्ज आएगा, यानी कि छोटा सा आएगा लेकिन आंशिक रूप से आएगा। लेकिन क्योंकि यार प्रबल विद्युत क्षीणात्मक तत्व अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही, थोड़ा सा ही सही लेकिन खींचेगा। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर हम बात करें, इसी कार्बन श्रृंखला से मान लो हमने वही का वही ग्रुप जोड़ दिया, और अब की बार ये जो हमारा ग्रुप है वह कार्बन से क्या है प्यारे बच्चों, दुर्बल है, कार्बन से दुर्बल विद्युत क्षीणात्मक है। यानी कि इसके पास क्या है, कार्बन से कम ताकत है। यानी कि अब की बार प्यारे बच्चों प्रबल विद्युत क्षीणात्मक कार्बन हो गया है ना, यानी कि अब क्या होगा ना, इस साझे के इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, बताइए कौन खींचेगा। जी हाँ, अब की बार ये कार्बन क्या करेगा, इस साझे के इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और अपनी ओर ऐसे खींचेगा। डैट मीन्स इस अब की बार इस कार्बन पे माइनस का थोड़ा सा चार्ज आएगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन जाने के कारण थोड़ा सा इस पे प्लस का चार्ज आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और प्यारे बच्चों इंडक्टिव प्रभाव यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरक प्रभाव भी आपका यही होता है जब किसी कार्बन श्रृंखला से क्या हो, एक सिरे पर प्यारे बच्चों कार्बन परमाणु से प्रबल या फिर दुर्बल विद्युत अवगत समूह जुड़ा होता है, ठीक है। आपका प्रबल जुड़ा हो, दुर्बल विद्युत क्षीणात्मक तत्व जुड़ा हो, तो उसके जुड़ने के कारण, उसके समूह के जुड़ने के कारण क्या होता है ना, जो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनका विस्थापन होने लगता है, ये इधर उधर दोस्तों शिफ्ट होने लगते हैं। अगर प्रबल जुड़ा हुआ है, अगर प्रबल जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, लेकिन दुर्बल जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन इधर खसते हैं, यानी कि विस्थापन होता है इलेक्ट्रॉनों का, और उसके कारण आपका आंशिक धनावेश आ जाता है एवं आंशिक पैरोचो शिरावेश आ जाता है, विकसित हो जाता है, लिख सकते हो आप। और इसी प्रभाव को ही पैरोचो प्रेरक प्रभाव कहते हैं सिंपली, ठीक है। और यहां पर पैरेचो आप ग्रुप कौन कौन से ले सकते हो, आप ही बताओ। अब प्रबल विद्युत क्षीणात्मक तत्व कौन होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, ये सारे पैरेचो आपके प्रबल विद्युत क्षीणात्मक तत्व होते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों कार्बन से दुर्बल विद्युत क्षीणात्मक तत्व में अगर आप ले सकते हो ग्रुप को, CH3 ले सकते हो, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या होता है ना, कार्बन से दुर्बल विद्युत क्षीणात्मक तत्व होता है, ठीक है। इसी तरह प्यारे बच्चों आप और भी ले सकते हो सिंपली, ठीक है। तो यहां पर पैरेचो आपने दो प्रभाव को देख लिया कि एक हमारा अगर प्रबल विद्युत क्षीणात्मक तत्व है कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण क्या होगा प्यारे बच्चों, माइनस का इस पे आएगा। इस पे कौन सा आवेश आएगा, माइनस का आएगा। माइनस का मतलब कि ये कैसा प्रभाव दिखाएगा, माइनस आई प्रभाव दिखाएगा, जब खुद ग्रुप पे क्या आ जाए, खुद उसी परमाणु पे माइनस का चार्ज आ जाए, इलेक्ट्रॉन को खींचने लगे। जब इलेक्ट्रॉन को खींचे, इलेक्ट्रॉन को पास बुलाए अपने, तब वो माइनस आई प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बुलाना ही पैरे बच्चों माइनस का काम होता है, ठीक है। एंड प्यारे बच्चों जब, लेकिन इसके विपरीत अगर उस ग्रुप पर क्या आ जाए, प्लस का चार्ज आ जाए, दैट मीन्स उस पर क्या हो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को वो बुलाए नहीं, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाए, तो इसके कारण पैर बच्चों क्या है, यहाँ पर प्लस का आई प्रभाव, इस प्रभाव को प्लस आई प्रभाव कहते हैं पैर बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या परिभाषा हमने बताया, कि जब भी किसी कार्बनिक श्रृंखला से
एक सिरे पर कार्बन परमाणु से आपका प्रबल या फिर दुर्बल वैद्युतात्मक समूह अगर जुड़ जाता है तो उसके जुड़ने के कारण जो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन थे उनका विस्थापन होने लगता है और इस विस्थापन से आंशिक धनावेश आ जाता है एवं शिरावेश विकसित हो जाता है, अपने आप ही आ जाता है जैसा कि यहाँ पर आपने देखा। और इसी प्रभाव को प्रेरक प्रभाव कहते हैं और ये दो तरह का होता है, एक होता है प्लस का प्रभाव, एक होता है माइनस का प्रभाव। और माइनस का प्रभाव कब आता है, जब बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचे तो यहाँ पर माइनस का आएगा, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉनों को खींचे नहीं बल्कि उनको दूर भगाए तो इस प्रभाव को हम प्लस आई प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों प्रकारों को समझा दिया, प्रेरक प्रभाव क्या ये भी समझा दिया। पैर बच्चों वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करके ही जाइएगा और पैर बच्चों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर ले। ठीक है पैर बच्चों, तो अब मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोई भी टॉपिक में कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसी लगी और किसी में भी दिक्कत हो ना तो कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करिएगा जरूर। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहे, खुश रहे, पढ़ते रहे एवं आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।